असलम गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो ऑफ डेली न्यूज़, जिसमें आप लोगों के लिए मैं जो है ऑटो इंडस्ट्री में होने वाली जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो लेकर आता हूँ। और फैन ने जो टी शर्ट पहनी हुई है ये मुझे जैक ने सेंड की थी और इट्स रियली रियली गुड। सो थैंक यू टू जैक मोटर्स, गंदारा जैक मोटर्स, जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट सेंड किया था। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज भर का जो मेन चीज़ है या मेन टॉपिक उसकी बात करते हैं, वो ये है कि फाइनली तौर पर जो है सेकेंड इलेक्ट्रिक आप कह सकते हैं कि स्टेशन जो है, चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर। जिन्ना एवेन्यू जो है उस पर अटक ऑयल जो है वो लगा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो है वो ऑलरेडी जो है BMW का जो है वो F6 में जो है इलेक्ट्रिक स्टेशन लगा। और आपको पता BMW जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी पाकिस्तान के अंदर जो है सप्लाई करता है, और काफ़ी ज़्यादा उनका जो है वो यहाँ पर लाइक बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं और शोरूम वगैरह भी हैं। अब आपको कुछ दिन पहले जो फवाद चौधरी साहब जो हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के जो हैं मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है वो अनाउंस किया है कि दे आर वेरी एक्साइटेड टू लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन इन जिन्ना एवेन्यू। तो उसके ऊपर जो है मेन जो है वो आप बात करूँगा, उसकी जो प्रॉपर वीडियो इंशाल्लाह वो आपको कल मिल जाएगी, होप सो, क्योंकि वो शूट हो रही है तो कल तक आ जाएगी। तो मेन बात करते हैं यार कि बहुत सी चीज़ें इसमें यार हैं कि आपको पता है कि जो लास्ट टाइम जो है तकरीबन एक मंथ पहले या दो मंथ पहले जो है इलेक्ट्रिक जो हमारी व्हीकल पॉलिसी है वो यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो है वो अप्रूव्ड हुई थी, और उसमें जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने जो है कार को मिस करके बसेस के ऊपर गए, उसके बाद टू व्हीलर्स के ऊपर गए, थ्री व्हीलर्स यानी कि रिक्शा के ऊपर गए, और ट्रक वगैरह और पिकअप के ऊपर गए, तो उनमें से कार्स मिस थी। तो ये भी उन्होंने बताया था कि उसको कब ऐड करेंगे, उसके लिए कब जो है वो पॉलिसी लॉन्चर करेंगे। सो कार तो होगी उसमें से स्किप, अब जो बाकी चीज़ें वो वहाँ पे चार्ज हो गई। जो मेन चीज़ है जो मैं है, बल्कि आपको एक एग्जांपल मैं पहले दे देता हूँ कि साजगार कंपनी जो है जो कि रिक्शा बनाती है वो जो है वो अल्दो जो है वो इलेक्ट्रिक रिक्शे के ऊपर भी काम कर रही है, और उनका एस्टिमेट है कि जो आपको नॉर्मल रिक्शा मिल रहा है 2.5 लाख का, अगर हम उसको साथ इलेक्ट्रिक जो किट है वो भी लगा देंगे तो तकरीबन जो है 4 लाख का बन जाएगा। सो वो एक्सपेंसिव तो होगी, एक्सपेंसिव चीज़ें होनी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में फ्यूल प्राइसेज जो है वो भी इंक्रीज़ होने वाली है। और उसकी रीज़न ये है कि ओगरा ने बोला है कि आप जो है अब Euro 5 जो है वो इम्पोर्ट करें ऑयल बाहर से। तो Euro 5 ऑफ कोर्स जो महंगा होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, पाकिस्तान में पहले जो है ऑयल की क्वालिटी को लेकर जो है, पेट्रोल वगैरह की क्वालिटी को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है कि वो इतना अच्छा नहीं होता। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। सो पेट्रोल की प्राइसेज जो है या डीजल की प्राइसेज जो है इन द फ्यूचर जो है वो ऊपर जाने वाली है, ऑफकोर्स जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करेंगी। जो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी आपको पता है कि यार ये स्टार्टिंग फेज में है, अभी कोई इतना ज़्यादा जो है वो कंपनीज इसके ऊपर शिफ्ट नहीं हुई, और ना ही कोई काम तो हो रहा है, लेकिन इट टेक सम टाइम टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ओल्ड टू न्यू जनरेशन, तो थोड़ा सा टाइम होगा। तो इस वजह से जो है ये थोड़ी सी नई नई टेक्नोलॉजी है, तो शुरू में जब ऐसी कोई चीज़ जब बनती है तो वो एक्सपेंसिव भी होती है। सो अगर हम टेस्ला की बात करें तो टेस्ला की मोस्टली गाड़ी जो होती हैं वो आपको 70,000 प्लस की रेंज से जो है मोस्टली तौर पर डॉलर में वो जो है वो स्टार्ट होती हैं। सो कम टू द पाकिस्तान पॉइंट, पाकिस्तान में मोस्टली तौर पर जो है वो चाइनीज़ जो है वो करेंगे इन्वेस्टमेंट, और चाइना की प्रोडक्ट आएगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, इतनी ज़्यादा आपको जो है वो सस्ती नहीं मिलने वाली। ये चीज़ है कि जब मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर थी, वो तो MS ग्रुप के ऊपर, आई थिंक उसके ऊपर 2.5 लाख से कुछ ज़्यादा व्यूज़ हैं, कुछ इतने व्यूज़ हैं। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि इसकी प्राइस तकरीबन जो है वो 80,000 समथिंग, क्योंकि लोगों ने कहा 70 से इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बता रहे हैं। द मेन पॉइंट वाज डैट के क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजी है, सो इसको इम्प्लीमेंट करते हुए और वो सारी चीज़ें करते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए जो है पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है इन्वेस्टर का, ये डेवलपर का या मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो सबसे ज़्यादा चार्ज करता है। आप बात करते हैं पाकिस्तान में ये चीज़ जो है वो कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी, ऑफकोर्स रहेगी, पाकिस्तान में जो है वो चीज़ें मतलब जो लोग हैं उनमें अडॉप्ट करेंगे, जो आप कह सकते हैं कि सलाहियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, खासतौर पर जो न्यू जनरेशन है टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करती है, अडॉप्ट कर रही है, तो इंशाल्लाह ये इलेक्ट्रिक जो है ये भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी जाएगी। सो मेन चीज़ ये थी कि जो 3-4 कंपनीज है जो फिलहाल मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन है कि जो काम कर रही हैं, उनमें साजगार है जो कि रिक्शा के ऊपर काम कर रहा है इलेक्ट्रिक के ऊपर, जोल्टा है वो काम कर रही है जो कि बाइक के ऊपर कर रही है, MS ग्रुप जो है वो कर रहा है जो कि वो भी बाइक के ऊपर कर रहा है, और इस तरह के और चाइनीज प्रोडक्शन जो बाहर से इम्पोर्ट कर सकते हैं। नाउ मेन टू द मेन पॉइंट कि आप चार्जिंग स्टेशन क्यों लगाते हैं, आप खुद भी तो चार्जिंग कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने सर्च की और मुझे बहुत हैरत हुई है वैसे इस चीज़ के ऊपर, और आई थिंक ये मेन चीज़ है कि जिससे आप बिज़नेस अर्न कर सकते हैं। आप एक खुद बताएं कि एक गाड़ी जो है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ला जो है वो अपनी गाड़ी सेल कर रही थी 70,000 की, उसके बाद कोई भी उस बंदा उसे जो है वो घर में चार्ज करता है तो डैट्स ओके, मतलब उससे
कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं करेगी, बट अगर कंपनी जो है सेम आपको जो है वो चार्जिंग स्टेशन लगा दे और कहे आप जो है वहाँ पे जाके चार्ज करें तो आपको बेनिफिट होगा, आपको ये होगा, आपको वो होगा, और उसके चार्जेस करें तो ऑफ कोर्स जो है वो कंपनी को जो है ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। तो उसका तरीकाकार क्या होता है, या स्टेशन बनाने का अहम मकसद क्या होता है, या जो भी इधर स्टेशन बन रहे हैं उनका मकसद क्या होगा। सो मैंने जब डीप इस चीज़ को ऑब्जर्व किया या फिगर आउट किया तो उसमें ये चीज़ थी कि यार आप जब नॉर्मल घर में आप जो है वो चार्जिंग करेंगे तो वो मेन होगा वो क्या चीज़ होता है कि जो आपकी मेन लाइन है बड़ी लाइन उनमें आई थिंक जो है वो 440 जो है वो वाट जो है वो बिजली जो है वो चल रही होती है। उसके बाद वो छोटी लाइन में आती है, ग्रिड में आती है, उसके बाद कन्वर्ट होते हैं जब आपके घर आती है वो 220 वाट रह जाती है। तो ये बहुत कम है अगर आप कहते हैं कि इन सेंस ऑफ जैसे फास्ट चार्जिंग होती है। तो आप जब घर पे चार्ज करेंगे तो ये हो सकता है कि 3-4 घंटे चार्ज लें, कोई भी मैं किसी भी एयरक्राफ्ट एस्टिमेट लगा रहा हूँ कि उसको चार्ज होने में गाड़ी को या बाइक को या किसी भी चीज़ को 3-4 घंटे लगेंगे। लेकिन ऑन द सेम थिंग अगर आप उसको जो है वो स्टेशन के ऊपर चार्ज करेंगे तो वह हो सकता है आपके 50 मिनट लगेंगे या 1 घंटा लगेंगे। और ये सेम चीज़ जो है वो टेस्ला अप्लाई कर रहा है। आप अगर उनकी नॉर्मल गाड़ी जो है कोई भी टेस्ला का एस मॉडल आप बात कर लें, उनके जो ट्रक है उनकी आप बात कर लें, तो आप अगर उनको घर पे चार्ज करेंगे तो इट विल टेक मोर देन 5-6 और 12 और डिपेंड करता है कि आप कितनी जो बड़ी बैटरी की कैपेसिटी की गाड़ी जो है ले रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप उनको स्टेशन पे चार्ज करते हैं तो आपको हो सकता है 1 घंटे से 1.5 घंटे के दरमियान जो है मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे तो आपकी वो फुल जो है गाड़ी वो चार्ज हो जाए। तो मेन चीज़ ये होती है कि स्टेशन के ऊपर जो है आप कह सकते हैं सुपर फास्ट चार्जर जो है वो लगे होते हैं एक तरह के, और उनमें कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आपका जो है वो जल्दी से जल्दी जो है गाड़ी जो है वो चार्ज कर सकें, और ये भी एक सोर्स ऑफ अर्निंग है। अब आई डोंट नो कि जो अटक ऑयल्स है वो लगा रहा है वो किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके लगा रहा है या अपने बिहाफ पे लगा रहा है कि कोई भी आएगा गाड़ी वहाँ पे चार्ज कर सकेगा। डिफरेंट स्टेशन होंगे, अब बाहर से जो गाड़ियाँ आएंगी उनके अपने चार्जर होंगे, तो हर BMW अपना बनाती है, टेस्ला अपना बनाती है, ऑडी अपना बनाती है, कोई और गाड़ी चाइनीज की आएगी तो वो अपना जो है वो चार्जर बनाएगी। सो आई डोंट नो कि वो हर एक के चार्जर अलग अलग से रखेंगे या कहेंगे आप चार्जर खुद कैरी करो यहाँ आके चार्ज कर लो, व्हाटएवर, ये चीज़ें जो है विद द टाइम पता चलेंगी। बट एक अच्छा इनिशिएटिव है कि फाइनली तौर पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें जो आ रही हैं स्लोली स्लोली, और ख़ास तौर पे अगर इस्लामाबाद के अंदर लॉन्च करें उसके रीज़न ये है कि वहाँ पे थोड़े से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन रहते हैं तो उनके पास इतना पैसा भी होता है, उनके पास गाड़ियाँ भी होती हैं चार्जिंग वाली, तो वो वहाँ पे चलो जो है टेस्ट आउट कर सकते हैं। सेकंड मेरे ख्याल में फेज़ में ये होगा कि इसे कराची के अंदर जो लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद जो है वो लाहौर के अंदर लॉन्च किया जाएगा विद अ फर्दर टाइम जैसे जैसे गुजरेगा। बट अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं एक चीज़ को तो एडमिट करता हूँ कि जब से जो है वो जब फवाद चौधरी आए हैं इस टेक्नोलॉजी की जो सीट के ऊपर है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, और आई थिंक इनको जो है वो इस सीट के ऊपर ही रहना चाहिए और इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। सो यार ये न्यूज़ थी, आई होप सो आप इसके बारे में वैसे आपके क्या कंसर्न हैं और आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।